नहीं, ये सर बता रहे, भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, आधा घंटा तक पानी नहीं पीना। क्यों सर नहीं पीना चाहिए, क्या नुकसान इससे? उसमें नुकसान है, ऐसे समझिए हांडी में चावल दिया, ठीक है, हाथ पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, तो चावल में जो आप चावल धो करके जब पानी गर्म हो रहा है उसमें चावल देंगे और चलाते जाएंगे ताकि भात बैठे नहीं, पक जाए आराम से और वो चिपचिपाए नहीं। तो हमारा क्या है, खाना खा चुके, पानी डाल दिया और उसके बाद फिर जो पानी पाएंगे तो उसे क्या होगा, वो चिपचिपा हो जाए, वो एकदम फ्लश, जैसे पैखाना करते हैं ना, पैखाना के साथ पानी निकल जाता है, वैसे ही आपका खाना निकल जाए। आप आजमाएंगे खाने के बाद, जो भी खाना के तुरंत बाद जो पानी पिया, मैंने खाना हो गया खत्म, अब फिर दो लोटा पानी पी लिया, एक गिलास पानी पी लिया, मुश्किल से 40 मिनट के अंदर उसको पैखाना हो जाएगा, पैखाना उसका रुकेगा नहीं, चालू हो जाएगा। क्यों? तो भात उसका पका नहीं है और पानी हम दिए जा रहे हैं तो वो चिपक के बाहर हो जाएगा, उसको पचने का मौका नहीं मिल पाता, ठीक है, अग्नि मध्यम हो जाती है और उससे बीमारी क्या होगा, आंत की बीमारी है, आंत उसका कमजोर हो जाएगा, खाना पचने में सुविधा होगी, एक लंबा समय आएगा उसको जल्दी भूख में दिक्कत होगा, जठराग्नि उसकी मंद हो जाएगी। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए खाना के 40 मिनट तक पानी का सेवन नहीं करें, फिर आप 40 मिनट बाद पीजिए, एक गिलास दो गिलास कोई नुकसान नहीं, पर लगले लगले पानी नहीं पीना। खाना खाने से पहले पी सकते हैं? खाना खाने से पहले एक घूट पीना है, दो घूट पीना है, खाने के बीच में आपको दो दो बार, मैंने थोड़ा थोड़ा करके खाना के समय से 10 मिनट पहले आपको एक गिलास डेढ़ गिलास तक पी सकते हैं, खाना के बाद नहीं पानी पीना, जस्ट बाद 40 मिनट बाद पेट पानी, ऐसा भाव प्रकाश निघंटू में आचार्य भाव प्रकाश ने लिखा है।